बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं इतने अच्छे खूबसूरत प्यारे से गर्मा गर्म मौसम में मटन की कढ़ाई। केरी मटन की कढ़ाई की करा, मटन खा के मटन मुंह ते आंदा है, चिकन आंदा ही नहीं है। अच्छा, हम क्या बनाने जा रहे हैं? चिकन की कढ़ाई। चिकन की कढ़ाई मैं किस तरह से बनाऊंगी, इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, जल्दी बन जाती है। तो आ जाए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये चिकन की, मटन की नहीं, चिकन की कढ़ाई मैं किस तरह से बनाऊंगी। हाँ जी, कढ़ाई के लिए हमने जो लिया है चिकन, ये 2.5 किलो हमने चिकन ले लिया है। ये जी 1.5 किलो टमाटर हमने ले लिए हैं, छिलके इनके निकाल लिए हैं। यहाँ पे जी टमाटरों के 4 पीस करेंगे, 4 पीस करके इसमें डालेंगे। पूरा आप टमाटर डालेंगे तो आपका ये जो ग्राइंडर है वो घूमेगा नहीं। ये ले जी, ये चला गया, टमाटर चले गए इसमें। ये ले जी 1 इंच का टुकड़ा, ये अदरक का, ये भी पीसीस कर लिए हैं, ये चले जाएगा। 1 बल्ब लहसुन का, 8 अदद हरी मिर्चें, और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ये ले जी टमाटर का, जो टमाटर थे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को हमने ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे जी 1 पाव देसी घी, घी के अंदर ये चिकन शामिल करेंगे। गरम मैं इसलिए नहीं कर रही, फिर ये चिपकना शुरू हो जाता है, ठंडे घी में चिकन बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। अब आगे आपकी मर्जी है, मैंने घी में बता दिया आपको, आप 1 चम्मच में बनाओ, 2 चम्मच में बनाओ, 1 पाव में बनाओ, ऑयल में बनाओ, जिसमें मर्जी बनाओ, ये आपका, आपने बनाना है। हम लोगों ने जिसमें बनाया वो मैंने आपको बता दिया। 1 टेबल स्पून नमक का डाल लेंगे। चिकन को जी घी के साथ थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। हाँ जी, खाना बना बना के मुझे आइडिया हो गया हुआ, इसलिए मैं स्पून नहीं यूज़ करती। मुझे पता है कि ये इतना है तो 1/2 टीस्पून है, इतना गया तो ये 1/4 टीस्पून है। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है जो बच्चे बच्चियाँ नया खाना बनाना सीख रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा माशाल्लाह बना बना के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ या 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसलिए आप लोग टेंशन ना लिया करें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, मुझे पता है कि मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। आप ही जब पका पका के जब पक जाओगे ना, तो आपको भी अंदाज़ा, आप हाथ से ही डाल लिया करोगे, आपको चम्मच भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 टीस्पून तो ये 1 टेबल स्पून, बंदा बाकी पका पका के पक जाता है। इस गर्मी में ना आपको घर वाले खाना बना के खिला रहे हैं ना, तो मत जाने नुक्स मत निकाला करें, क्योंकि इस गर्मी में जो खाना बनाता है ना उसको मेरा सलाम है, कसम से सलाम है। किचन में खड़े होना ना लग पता जाता है, और खाने वाले मुंह में डालेंगे मज़े का नहीं था ना, दिल कर तो जग रख के बंदा इक्को ही दे दे। मर गए हम किचन में कर कर के पका के, उसी 1 मिनट जबान पर गया नहीं, मज़े का नहीं बना। और मज़े का तो बनता है, क्यों नहीं मज़े का बनता, सब मज़े का बनाते हैं, किसका दिल करता है इतना महंगा खाना ख़राब करने का। बस कंप्रोमाइज़ किया करें, मुझे पता है भाई मेरे भी मेहनत करके आते हैं, वो लोग भी जो मजदूर हैं दूर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो घर में मेहनत कर रही हैं, आप बाहर मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों कंप्रोमाइज़ करें, उनका खाना आप पसंद करें, आपकी वाइफ आपको अप्रीशिएट करे, नहीं तो शाहिद वर्गा होवे तो चुप के जग मूड होते मार दियो। ये ले जी चिकन को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया घी के अंदर। अब ये देखे जो हमारे टमाटर हैं सारे, ये इसके अंदर चले जाएंगे। मिक्स कर लेंगे। असी शेख हाँ, थोड़ा जिन्ना भी नहीं रहने देंगे। मैं तो शेख नहीं हूँ, मेरे ससुराल वाले शेख है। यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ये फूल सूखे धनिए का,
एक टीस्पून काली मिर्च, ये जी टीस्पून कुटा हुआ जीरा, ये एक टेबलस्पून गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे साबुत गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, पिसे हुए गरम मसाले में हर चीज़ मैंने डाली हुई है, इसलिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नई रेसिपी भी गरम मसाले की मैं नए व्यूअर्स के लिए भी दूँगी, उन्हें ढूँढने में मसला होता है तो मैं नई रेसिपी भी दे दूँगी। तो चले अब क्या करना है, हमने इस चिकन को कवर करके गलने के लिए टमाटरों के साथ छोड़ देना है। चिकन को चिकन के हाल पे छोड़ दें तो आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद, कहीं मत जाइएगा। ये ले ली, तकरीबन 20 मिनट हो गए। बीच बीच में आप चम्मच भी हिलाते रहिएगा क्योंकि लगने का डर होता है, ये नहीं कि आपने ढक्कन दे के इसको छोड़ देना है। ये ले जी, ये टमाटर का पानी जो है खुश्क हो गया हमारे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक पाव दही यानी कि 250 ग्राम दही इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। ये लें जी दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन जो है हमारा गल चुका है बिल्कुल। यहाँ पे जी अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप इसका नमक चेक कर लें, अगर नमक कम लगता है तो नमक ऐड कर लें। ये लें जी, जो नमक कम लग रहा था वो मैंने नमक थोड़ा सा ऐड कर लिया है, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये तकरीबन 1.5 इंच का अदरक है जुलियन कटिंग में कटा हुआ, वो शामिल करेंगे। यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, वो शामिल करेंगे। फ्रेश धनिया है वो शामिल कर लेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। दही को आपने ज़्यादा पकाना नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको दही को पकाना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऑलरेडी भी शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपने हाथ में लेना है और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है खुशबू और टेस्ट के लिए। खुशबू टेस्ट ऑलरेडी भी आ चुका है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा थोड़ा टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। ये लें जी, दही को 1 मिनट के लिए हमने भून लिया है। भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना और इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है। जो दही है वो इससे मसाला बहुत मज़े का, टमाटर से भी मसाला बन चुका है लेकिन दही से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो प्याज इसमें नहीं जाना है, आपने फिर कहना है कि प्याज के बगैर, जी बिल्कुल, ये प्याज के बगैर वाली कढ़ाई है। प्याज वाली भी कढ़ाई है, प्याज के बगैर भी होती है, कई तरह से कढ़ाइयाँ बनती है, सब खाया करें, मज़े लिया करें, बस आओ इंजॉय किया करो। ये ले जी कढ़ाई हो गई हमारी तैयार, अब हम खाते हैं, खा के आपको बताते हैं कि हमारी कढ़ाई कितनी मज़े की तैयार हुई है। आप ये कढ़ाई की एक दफ़ा लुक चेक करें। ये ले जी अब डालते हैं प्लेट में, ये आप चेक करें, ये टमाटर और दही का मसाला कमाल का बनता है इसका, ये चेक करें। ये नहीं कि ये इसमें प्याज नहीं गया तो ये सूखी सूखी कढ़ाई है, नहीं, ये मसाले वाली कढ़ाई है, ज़बरदस्त मसाले वाली, ये आप चेक करें। ये तरी चली गई शाहिद साहब की, ये ले। ओ मैनू जरा खुशबू लैन दे यार, मेरा उधरों भी आ रही है जरा, मेरा खुशबू, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, नाक खोल जाने नहीं आज तक। टेंडर भी है, रोटियां भी सलामत है, दिमाग खुले भी ऐसा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे रोटी ये ना लैशदा लैशदा। तंदूरी रोटी कहाँ आ रही,
नान वो नाम ना जज्बाती नहीं होना, मैं कटना यार है, चेक कर रशीदादे चेक कर। गरम मेरे हाथ पे रख देते हैं। बड़ी तुसी गरम गरम चीजा पाते हो, आज मैं पढ़ाया था की हो गया है, इंजॉय करो जरा। ये चीज सच्ची इतनी मजे की ये बनती है ना कढ़ाई, इतनी मजे की इमरजेंसी कढ़ाई है ये, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं जल्दी जल्दी पकाओ ते खा लो। ओए 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 इस टाइम इतना का गरम काम हो यहां पे, ओए यार की दसा भगवान। और गर्मी में तो वैसे ही ना जो सालन जल्दी जल्दी बन जाए ना वो पकाना चाहिए। ओ केरे नान, अच्छा तेरे कलवंजी यार मैं सादा नान रोग नहीं पड़या यार, वो भी दिखाने हैं, वो भी दिखाने हैं, दोनों पैकेट यार। चल पहले ये पहले अरे नान लेना यार, बड़े बड़े आने ने। ओए ना भगवान चेक कर, पहले मेरी सुन ली या अब इसकी दास्तान सुन? वो दास्तान की यार तू दान है से शाहिद शाहिद साहब हाजर है बोलना। अच्छा ओके सुन भाई, गलती ना निकल गया, गलती ना टच कर लेते, मैं की हो गया यार, जज्बाती नहीं होना, मैंने पता है गर्मी पड़ी है, की हो गया, ठंडे रहो यार, की होया की होया। लो जी डोगरी नान चेक करो जरा यार, की होंदा है, की होंदा यार, मैंने रो होंदा की नील मैं इधर ना नहीं फड़े जा रहे, तू पता नहीं की ड्रामे कर रही यार, इतनी मजे की कढ़ाई बना के तू अपनी रेसलिंग शुरू करती है, इधर मेरी बारी आई। ये रोगनी नान चेक करे जरा, मैं कहता हूँ ये देखे सॉफ्ट सॉफ्ट, हाय हाय हाय, मैं कह रहा हूँ अब जो बाइट होनी है ना कमारी बाइट होनी है, समझ से बाहर है कितों लड़े, कोई बड़ा लेग पीस पाई पीछा कर रहा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊँ, ये देखें ये नान है, अगर इसको आप इस तरह घी में डिप करें ये बड़े काम की बात है, अगर ये सुरख हो जाता है तो आप सोचें कि उसमें नान में सोडा बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा सोडे वाले नान ना इस्तेमाल किया करें। ये देखें मैंने डिप किया है, ये रेड नहीं हुआ, जिसमें सोडा ज़्यादा होगा वो फ़ौरन आप जैसे ही इसको घी में डिप करेंगे ये रेड हो जाएगा। और चालू ना पीछे काले में पागल है अब तो बीच लेक्चर शुरू करते हैं भाई के, यही लेग पीस काट लेने हैं, यही कर लेने हैं लेग पीस यार। ओए होए 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 आया 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 टची होए लाले लाले एंड हो गई लाले, इत्थे मसाला चुक लेना ओए, सड़ गई उंगलियां सड़ गई। लो जी चली जे बाइट हूं मैं कहना अन्नी पैन लगी। ओए होए होए ऐसी कमाल की बनती है ना, ऐसी कमाल की बनती है, आपने ट्राई जरूर करना। मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट बाइट चलेगी ना मुंह में, जो अरोमा आ रहा है इस टाइम खुशबू का मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम, और जो जायका है। ढाई किलो में मैंने 1.5 किलो टमाटर डाले हैं, यानी के यानी के क्या है अपनो आन भूल गया बोलते बोलते बेटा जायका ही है, क्या कहने लगी थी भूल गई हूं, वो टमाटर ने कुछ दस्या जी अपनो आन है के 1.5 किलो जाएंगे 2.5 किलो गोश्त में। मैं कह रहा हूँ जो जायका तूफान मेल बना हुआ ना, ये जब आपने बनाई ना कढ़ाई यार, और इसी तरह चस्के लेके खाना है यार, कुछ रहता सलाद कुछ भी नहीं नाल नहीं, तू ऐसा ना करया कर यार, हाँ चीज मेरे तो ना पा दिया कर, मैं अदरक कटे यार, तू ऐसा नहीं ड्रामे करनी है। ये इसने मुझे बना के दी है, इसकी बनाई हुई कढ़ाई मैं खा रही हूँ, हर काम यही करता है। हाँ तो क्यों है, लेकिन ऐसा भी ना बना, ऐसे तो क्या ही काम कर सकता है, और नहीं कुछ कर सकता। लाले मेरे हलन के बीच गई हड्डी, सारा पसीना मेरे थन लग गया, मैं हाथ धो के आवा हूं, पसीना नहीं लगा है मसाला लगा थी, वो इन तो मारता ये लाले मेरे गंदे काम ना करे कर, मैं हाथ ही नहीं इस्तेमाल कर ना कर इस्तेमाल, तेरा मेहनत का पसीना नहीं ना, तेरा तेरा सिर्फ खान का पसीना। ओ तू मेनू प्लेट फड़ा यार, पुत्र ड्रामे ने करे के प्लेट फड़ा, मैं हड्डी रखनी है ए देख।
ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਲਮੰਜੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ यार ये आप चेक करो आपकी स्पेशल बाइट लेने लगा और कलवंजी वाला नान है कलवंजी और धनिया वाला नान है और इसके जो मैं कहता हूँ जो मज़ा आना है मैं आपको क्या बताऊँ अब जो चस्का आने लगा केड़ी बूटी फड़ा केड़ी फड़ा यही फड़ लेने यही फड़ लेने हाय 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 होता डिस्प्ले उत्ते ले आके तेनू हाय हाय यार क्या अंदर से क्या टेंडर हुआ पड़ा और फुल मैं कहता हूँ ऐसी खुशबू है और ऐसा मैं कहना मसाले एंड वो कहना ए ए तरिया नाल ए ए देखो ए ओए होए 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 नाल उत्ते लो जी हरी मिर्च का डिस्प्ले नाल ए थोड़ी जी बूटी यार आपकी बाइट है स्पेशल तो होनी चाहिए ना लो जी चली जी उन बाइट हाय 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 ऐसे कहते हैं आपकी बाइट है आपकी बाइट है दावत दे दो उन्होंने कि आइयो साडे घर मैं पकवाई है तो खा लो नाले यार आज वाकई लफाज खत्म हो गए जो ये बाइट मैंने इतना मजे का बना ना इतना मजे का बना कि मैं आपको बता नहीं जहां तक है कि इसकी बात आप सबको आई लव यू सारों को दावत है लेकिन यार अपने अपने घर बुला के खा लो सारी बात है यार वो इतनी कढ़ाई मेरे को पूरी नहीं होनी तुझे सारे ने इतनी पा देनी है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कर दिया करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो आपने जरूर करना है कढ़ाई बनानी है कढ़ाई बना के मुझे कमेंट जरूर कर दें कि कैसी बनी है ओके बाय गर्मी बहुत है पसीने आपको नजर आ रहे होंगे आपको भी पता है कि खाते हुए वैसे ही पसीने आ जाते हैं एक एक जूसी हुई हुई बोटी मैं आपको क्या बताऊं मसाले से या सब्सक्राइब कर देना और जान तो पहले सब्सक्राइब करके जाने और सब्सक्राइब पता किसे करना है ऐसे ये समझो ये मोबाइल है और ये ऐसे ऐसे सब्सक्राइब करना जरा स्टाइल मार के और ये टारगन की लातन दसेगी ए ये ऐसा ना करना कार वाले उनके बाहर नहीं फिर इतना कर लेना ऐसे करके ना बाहर निकाल के फिर करना ये सब्सक्राइब करना यार टारगन बन गए टारगन बन गए सब्सक्राइब करना यार लेकिन ना जो रेसिपी है बन गई ना मैं आपको 100% कह रहा हूँ आप 2 किलो में ना बनाओ आप आधा किलो में बना लो आप 1 किलो में बना लो यही फार्मूला रखना यार याद करोगे बाकी गिफ्ट बन गए हाला मैं कहता हूँ इसका पता कोई नहीं एकदम गर्मी चढ़ी हुई है पागल होएगी फिर आपको पता ना इसकी आदत का लेकिन सब्सक्राइब करके जाना